नौकरी मिल सकी तो मुझे रिस्क दी इन्होंने, एक तो गदा के भील बस्ती कोलेगा, राम बावड़ी भील बस्ती मोलेगा, कौआ भील बस्ती मोलेगा, दूधेला भील बस्ती मची, खेड़ा भील बस्ती छोटा बनुजा, घोड़ा पगी भील बस्ती मचीन, सियावा भील बस्ती केसुली, घाटी भील बस्ती चितानी छोटा बनुजा, समिति भील बस्ती सरोदा, लाटर का भील बस्ती गावड़ा, खेता भील बस्ती उठाड़ा, तलाया भील बस्ती उछनोल, उठा खेत बस्ती डेंगे, ये नाम दिए। मानी मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मंत्री जी बैठे हुए, मुझे पता है कि मार्च के बाद नया बजट शुरू होगा, मैं आशा करता हूं कि मार्च के बाद जो नया बजट आया उसमें ये 11 और जो 13 तरह की मांग करता हूँ वो छूट गई होगी। 15 माई बाड़ी केंद्र भी आप नए स्वीकृत करें जिससे हमारे इलाके के बच्चे को आपका अपेक्षा करूंगा। और एक मंत्री जी कुछ घोषणा खुद ही करेंगे इसलिए मैं कुछ याद दिला दूँ। मंत्री जी ने कहा साहब एक स्कीम और है, वो स्कीम मंत्री जी आप भी बताना जिससे हमारी जो महिला जितनी आदिवासी बहनें हैं उनको भी कुछ नौकरी मिल सके, ये मंत्री जी घोषणा करेंगे। ये इन पर छोड़ देता हूँ, मेरा काम इतना ही है कि जो मेरे काम करने का मैं घोषणा करूंगा और कुछ काम मंत्री जी जो है वो खुद ही करेंगे कि वो अपने इलाके में और कुछ काम कर सकते हैं। मैं एक बार मंत्री जी आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और समय समय पर आपके बीच में आप आते रहे। मैंने गोपालपुरा में भी समाज के लिए कुछ काम किया, भी मैं गया था सावरी में शोभालाल जी हमारे वहाँ पर वो कर रहे हैं रेल मगरा में, जहाँ जहाँ भी हमें पैसे की आवश्यकता हो समय समय पर हम आपके पास आएंगे और हम आशा करेंगे कि हमारे इलाके में इस समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने में आपकी कलम और आपका विभाग हमारी मदद करता रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि जितनी हमारी माँ बहने बैठी हुई है वो संतोषी माता की कथा जानती है, सत्यनारायण की कथा जानती है, माता जी के मंदिर में जाती है, देवरे जाती है, सब काम करती है, और जो काम नहीं करती वो काम याद दिला रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाने का काम आपको करना है, बाकी सब आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, वो सब जिम्मेदारी हमारी हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सब भाई बहन अपने इलाके में अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए पढ़ाई करवाएंगे जिससे उनके जीवन में परिवर्तन हो सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय मंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार, आपके विभाग के अधिकारियों का बहुत बहुत आभार, और ये हॉस्टल अच्छा बने, मजबूत बने, समय पे बने ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका अपने से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।